विभाग द्वारा खनन आधारित समस्त सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु तीव्र, पारदर्शी, सरल एवं एकीकृत माइन मित्रा पोर्टल को विकसित किया गया। माइन मित्रा पोर्टल के मुख्यतः चार अवयव हैं। पहला, ऑनलाइन मिनरल मैनेजमेंट। दूसरा, ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज। तीसरा, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम। और चौथा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन मिनरल मैनेजमेंट के अंतर्गत खनिज परिवहन हेतु EMM 11 ट्रांजिट पास, ISTP स्टॉकिस्ट ट्रांजिट पास जारी किए जाने का प्राविधान है। खनिज विभाग द्वारा खनिज परिहार नियमावली 1963 का नवीन संस्करण उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2021 प्रख्यापित किया गया। ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज के माध्यम से जन सामान्य को पंजीकरण, परमिट, लीज, लाइसेंस एवं अन्य खनन संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें से कुछ मुख्यतः कृषि भूमि से निजी उपयोग हेतु साधारण मिट्टी की खुदाई किसानों द्वारा, 100 घन मीटर से कम खनिज भंडार हेतु फुटकर विक्रेता के स्वयं पंजीकरण की सुविधा, कृषि भूमि में उपलब्ध बालू मोरम हेतु खनन परमिट, भवन विकास परियोजना से निकले उपखनिजों के निस्तारण की ऑनलाइन व्यवस्था, ईट उद्योग हेतु रॉयल्टी शुल्क के ऑनलाइन जमा करने की सुविधा, पट्टा धारक द्वारा मासिक किश्तों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम के अंतर्गत जियो फेंसिंग, PTZ कैमरा एट माइंस, वेब्रिज एट माइंस, माइन टैग इन मिनरल कैरिंग व्हीकल्स, एमचेक ऐप, हैंडहेल्ड रीडर विद एमचेक ऐप, चेक गेट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कमांड सेंटर निहित है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, खनन निदेशालय द्वारा उपखनिजों के ऑनलाइन बिक्री हेतु यूपी मिनरल मार्ट नामक एक कॉमन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसमें खनिजों की खरीद हेतु क्रेता बायर सीधे सप्लायर से संपर्क स्थापित कर सकता है। इस पोर्टल पर जनपदवार ट्रांसपोर्टरों की भी सूची उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ता आसानी से उपखनिजों के परिवहन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार खनिज से संबंधित विभिन्न सेवाएं जैसे लीज, लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया लागू किए जाने से पारदर्शिता के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिला है। चेक गेट मानव रहित स्वचालित IoT एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित व्यवस्था है, जिसका उपयोग कर खनिज परिवहन से संबद्ध वाहनों की निरंतर निगरानी की जाती है। खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस माइन टैग लगाया गया है, जिससे कि वाहन के चेक गेट से गुजरते ही वाहनों से संबंधित समस्त आंकड़े AI डिवाइस के माध्यम से निदेशालय में स्थापित यूनिफाइड रेवेन्यू कमांड सेंटर में तत्काल सूचना उपलब्ध हो जाती है। चेक गेट से प्राप्त आंकड़ों का सुव्यवस्थित रूप में अवलोकन, रिपोर्ट्स एवं खनन निदेशालय के त्वरित एवं प्रभावी निर्णय लेने के उद्देश्य से ऑनलाइन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का विकास किया गया है, जिससे अपने जिले के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन खनन संबंधित सभी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। खनिज परिवहन प्रपत्रों की वैधानिकता की जांच के लिए विभाग द्वारा एमचेक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों को एमचेक युक्त RFID हैंडहेल्ड रीडर दिए गए हैं, जिससे विभागीय अधिकारी सुगमता से कहीं भी खनिज वाहनों की जांच कर सकें। खनन विभाग के इस अभिनव पहल से समस्त नागरिकों, किसानों, ट्रांसपोर्टरों, पट्टा धारकों एवं उपभोक्ताओं को तीव्र, पारदर्शी, सरल एवं एकीकृत सिंगल विंडो माइन मिंत्रा पोर्टल के माध्यम से प्रदेश सरकार खनन से संबंधित सुविधाएं आसानी से जन सामान्य तक पहुंचाने में सफल रही है, जिसके माध्यम से वैधानिक खनन प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है एवं अवैध खनन गतिविधियों में आशातीत कमी आई है। समृद्धि एवं सतत विकास की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश।